नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन मौर्य, आप देख रहे हैं जनता आवाज़। साथियों, उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम आपके सामने आ चुके हैं। यहाँ पर बहुसंख्यक पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहा, जिसमें सपा और बसपा मुख्य रूप से हैं। इनके अलावा अन्य पार्टियाँ भी थीं जिन्होंने इस चुनाव में भाग लिया था, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, बामन मेसराम की पार्टी, चंद्रशेखर की पार्टी। इन सभी पार्टियों ने क्या मतलब हासिल किया उत्तर प्रदेश चुनाव में, यह तो आप अब तक जान चुके होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है उनका परफॉर्म कैसा रहा। लेकिन साथियों, आज सवाल यह उठता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पुनः बीजेपी सत्ता में आई है, योगी आदित्यनाथ द्वारा वहां के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। साथियों, यहाँ पर हमें यह जानना जरूरी हो गया है कि बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न पार्टियों का अब रुख क्या है, खास करके इस संदर्भ में जिस प्रकार से चुनाव के टाइम पर EVM के मुद्दे को भारी हवा दी जा रही थी और दी भी जानी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से सड़कों पर EVM का सरेआम मिलना, बैलेट पेपर का मिलना कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा जरूर करता है, तो उसके खिलाफ आवाज उठना जरूरी है। लेकिन साथियों, यहाँ पर बात यह भी जरूरी है कि चुनाव परिणाम के बाद कौन कौन सी पार्टियां EVM के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद रखती हैं, या चुनाव परिणाम के बाद अब तक किस किस पार्टी ने अपना EVM के खिलाफ रिजल्ट आने के बाद अब तक कोई ठोस निर्णय लिया है। तो साथियों, बसपा की बात करें तो चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती सहित विभिन्न नेताओं के ये बयान सामने आए थे कि अगर EVM में कोई धांधली नहीं होती है तो हम सत्ता में जरूर आएंगे, हमें सत्ता में आने से कोई नहीं रोकेगा। इसी प्रकार अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने EVM के मुद्दे को बहुत ही अच्छे तरीके से उठाया, लेकिन सवाल फिर मेरा वही है कि क्या रिजल्ट आने के बाद कौन सी पार्टियां EVM के खिलाफ आवाज़ उठाना जारी रखती हैं। तो जिस प्रकार से 10 मार्च को रिजल्ट आया, 10 मार्च के बाद मैंने देखा तमाम मीडिया पर तमाम नेताओं के बयान देखे, तो मुझे तो नहीं लगता किसी भी नेता ने EVM के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की है। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक वायरल हो रहे ऑडियो क्लिप के खिलाफ ट्विटर पर जरूर लिखा है, उन्होंने लिखा कि इस ऑडियो क्लिप में बात कर रहे दोनों अधिकारियों को राष्ट्रपति महोदय और उच्च न्यायालय तुरंत सुरक्षा मुहैया कराएं, क्योंकि किसी व्यक्ति की जान हमारी सरकार बनने से ज़्यादा जरूरी है। तो ये तो हो गई वो नैतिक बात जो होने भी चाहिए थी, लेकिन क्या हकीकत में चाहे चंद्रशेखर रावण हों, बामन मेसराम हों, असदुद्दीन ओवैसी हों, या बसपा सुप्रीमो मायावती हों, या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हों, इन्होंने EVM के खिलाफ अपनी आवाज़ को कितना बुलंद किया है, इसका जवाब साथियों मैं आपसे भी चाहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें, अगर इन पार्टियों से संबंधित किसी भी नेता ने EVM के खिलाफ, खास करके रिजल्ट आने के बाद, अगर कोई मुद्दा उठाया हो तो हमें बताने का कष्ट करें। हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा किसी भी नेता का बयान मेरे सामने नहीं आया है कि उन्होंने मजबूती से EVM के खिलाफ आवाज़ उठाई हो। अगर बहुसंख्यक समाज की इन तमाम नेताओं की आवाज़ अगर EVM के खिलाफ अब तक नहीं उठी है, तो क्या इसको ये समझ लिया जाए EVM के खिलाफ बात करना एक चुनावी स्टंट था? क्योंकि जिस प्रकार से सभी नेता, मैं किसी एक नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुसंख्यक समाज का नेतृत्व करने वाली सभी पार्टियों के नेता, अभी तक किसी भी नेता का EVM के खिलाफ मजबूती से आवाज नहीं आई है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में बसपा की हार के बाद बसपा नेताओं द्वारा या उनके कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है के मनवादी मीडिया के साथ साथ में सोशल मीडिया ने भी बीजेपी को जिताने का काम किया है या समाजवादी पार्टी की तरफ वोट मोड़ने का काम किया है। तो मैं उन बसपा के उन सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं जो ये कह रहे हैं कि मेनस्ट्रीम मीडिया के साथ साथ बहुजन मीडिया ने भी बसपा को धोखा दिया है, मेरा सवाल यह है कि आपको किसने रोका? आपका कोई अभी तक फेसबुक पेज नहीं है, YouTube चैनल नहीं है, आप अपनी आवाज़ को या विचार को कितनी मजबूती के साथ जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं अगर अपनी व्यक्तिगत राय दूं कि उत्तर प्रदेश में बसपा की इतने खराब प्रदर्शन का जिम्मेदार कौन है या कौन से कारण हैं जिनसे
बसपा की इतनी दुर्दशा हुई है, तो मेरा सिर्फ एक ही जवाब है कि समय के अनुसार जो समय जो आपका माहौल है उसके हिसाब से बसपा नहीं डल पाई है, क्योंकि आज का युग डिजिटल युग है, आज आईटी का युग है। बहुजन समाज पार्टी आईटी क्षेत्र में इतनी एक्टिव नहीं है, न के बराबर है। जितने भी सामाजिक कार्यकर्ताओं व पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर बसपा का प्रचार किया, वह प्रचार केवल पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त इसलिए नहीं है क्योंकि हजारों लोग हैं, वो अपने अपने मन के हिसाब से सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखे जा रहे हैं। उनको कोई निर्देश देने वाला भी होना चाहिए किस तरह से, मतलब क्या संदेश हमको समाज को देना है, क्या लिखने से बसपा को फायदा होगा, क्या ना लिखने से घाटा होगा। हो सकता है कि बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हों जो सोचते तो यह हों कि हम बसपा के लिए काम कर रहे हैं, बसपा के समर्थन में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी नादानी से बसपा के खिलाफ मतलब माहौल बना हुआ हो। ये मेन मुद्दा जो बसपा के हारने का है वो यही है। दूसरी बात, क्या इस हार के बाद बसपा कोई कठोर रणनीति अपनाएगी? क्या आगामी समय में बसपा सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई देगी? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया के बिना किसी भी चुनाव को लड़ना नामुमकिन है। वो समय अलग था, साव कांसीराम का समय था, कि जब कैडर कैंप के द्वारा पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैडर कैंप आज के टाइम में इतने कामगर साबित नहीं होंगे, कामगर साबित होंगे, लेकिन जो खबर या सूचना को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का वो काम है वो सोशल मीडिया द्वारा ही किया जा सकता है। क्यों? कैडर कैंप द्वारा विधिवत रूप से आपको इकट्ठा करने पड़ेंगे, उसके बाद अपनी बात बताएंगे, फिर जो कैडर कैंप में उपस्थित हुए कार्यकर्ता उस बात को आगे नीचे जमीन स्तर तक पहुंचाएंगे। इतने टाइम में आज की दुनिया में बहुत लेट हो जाते हैं। अपनी बात को अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने में नाकाम रही है बसपा, लेकिन आगे क्या रुख रहेगा, क्योंकि अभी तक जिस तरह से ईवीएम के खिलाफ कोई बयान कोई प्लान बसपा की तरफ से नहीं आया है, बसपा के अलावा किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं आया है, यह बहुत ही चिंता करने वाली बात है। अब साथियों बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। क्या अखिलेश यादव ये मानेंगे कि दलितों ने वोट समाजवादी पार्टी को दिया है? अगर मानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानते हैं तो ये समाजवादी पार्टी के लिए भी आगे चल के घातक हो सकता है। घातक क्यों होगा ये आने वाले किसी अन्य वीडियो में बताएंगे विस्तार से, लेकिन अभी सब्जेक्ट ये चल रहा है कि चुनाव परिणाम के बाद विभिन्न पार्टियों ने ईवीएम के खिलाफ कितनी आवाज़ उठाई है। बामन मेश्राम की बात करें तो हो सकता है बामन मेश्राम इसके खिलाफ तेज़ी से आवाज़ उठाएं, लेकिन उनकी आवाज़ उठाने न उठाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हाँ, अगर ये सभी पार्टियाँ ये मानती हैं कि ईवीएम में कोई धांधली नहीं हुई है और ये सोचकर घर बैठ जाती हैं, तो यह एससी एसटी ओबीसी समाज के साथ बहुत ही बड़ा धोखा और षड्यंत्र मैं बहुसंख्यक समाज की पार्टियों की तरफ से ही मानूंगा। क्योंकि अगर ये नेता ईवीएम में धांधली नहीं मानते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इन्होंने अपनी अपनी सेकी टेकी है। अपनी अपनी कैसे सेकी टेकी है? मान के चलो अगर अखिलेश यादव जी चंद्रशेखर रावण से या MIM या बामन मेश्राम से गठबंधन करके कुछ सीट इन पार्टियों को दे देते, जितना के स्वर्णों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिए हैं, तो इनका क्या बिगड़ जाता? आज ये जो सत्ता से दूर है समाजवादी पार्टी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये ईवीएम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं तो इसका साफ साफ निष्कर्ष यही निकलता है कि इन्होंने मन में मान लिया है कि ईवीएम में कोई धांधली नहीं हुई है। और ईवीएम में धांधली नहीं हुई है तो क्या ये बहुजन समाज के साथ खिलवाड़ है? क्योंकि अगर ईवीएम में धांधली नहीं हुई है तो इनको यह भी पहले से पता होगा कि हम जब सभी नेता सभी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो हमारी सत्ता नहीं आने वाली है, तो फिर ये बहुसंख्यक समाज एससी एसटी ओबीसी को गुमराह करने का काम क्यों कर रहे हो? कहीं ना कहीं एक दूसरे नेता को एक दूसरे से अंदर ही अंदर कोई टसल जरूर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हों या बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती हों
या चंद्रशेखर रावण हो, या बावन मेसराम हो, या AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी हो, वो क्यों? अखिलेश यादव सोचते हैं अगर मैं गठबंधन में इनको सीट दे दूंगा तो कहीं आगे चल के उत्तर प्रदेश में ये नपनप जाए, फलानी पार्टी नपनप जाए। हो सकता है मायावती ने ये सोचा हो कि मैं गठबंधन इसलिए तोड़ लूँ, गठबंधन करके मैं इसे समाजवादी पार्टी को ख़त्म नहीं कर सकती हूँ। हो सकता है कि मायावती जी ने बस सपा को ख़त्म करने के सपने देखे हों, वो ऐसा नहीं हुआ, खुद बल्कि खुद ख़त्म हो गई। अगर ये मिलकर सभी चुनाव लड़ते तो इसकी पीड़ा आने वाले समय में, आने वाले 5 सालों में बहुजन समाज नहीं झेलता। जो आप देखते चलिए आने वाले 5 सालों में क्या क्या होने वाला है, आपकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। मैं कहता हूं कि अभी भी वक्त है, अभी भी एक हो जाओ। साथियों आपको मैं बता दूं, मेरे कहने का तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि EVM में धांधली नहीं हो सकती या नहीं हुई है, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। मैं अभी भी कह सकता हूं कि EVM में धांधली होने की पूरी पूरी आशंका है, लेकिन जिस प्रकार से अब बहुजन समाज कि जितने भी नेताओं की आवाज़ अगर EVM के खिलाफ नहीं उठती है तो बहुजन समाज क्या सोचेगा? बिल्कुल यही सोचेगा कि EVM में कोई धांधली नहीं हुई थी, वो तो एक चुनावी स्टंट था। इसलिए मैं बहुजन समाज के सभी नेताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि EVM के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। साथियों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।